गाइस हमने 150 किलोमीटर का जो तामिया से लेकर बैतूल का जो सफर था 150 किलोमीटर का था, तो उसमें से 70 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा हमने लिया है ब्रेक यहाँ पर 5 से 10 मिनट का। अब उसके बाद हमें 70 किलोमीटर जो और बचा है उसे पूरा करना है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बालाजीपुरम और मैं अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चूहा इधर क्या कर रहा है, ऐसा देख रहा है, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा देख रहा है, ये शर्माता है। थोड़ा इधर तो देख, इधर तो देख। गाइस हम लोग यहाँ पे मंदिर में एंट्री करने वाले हैं और फिर उसके बाद पीछे काफी और भी बहुत सारी घूमने की जगह है, मतलब गुफा वगैरह है, काफी कुछ है। तो हम लोग पहले यहाँ पे मेन मंदिर में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैमरा अलाउ है या नहीं, फिर हम लोग उधर पीछे साइड जाएंगे, वहाँ पे फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, अभी तक किसी ने टोका नहीं है, आप लोग को दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मंदिर के अंदर का व्यू मैं ले नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कैमराज अलाउ नहीं थे मंदिर के अंदर, तो बस मैंने एक छोटा सा वहाँ पर उनसे पूछ के आसपास का जो अंदर का जो व्यू था एक छोटा सा ले लिया, मैं मूर्तियाँ नहीं दिखा पाया आप लोग को। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर जो गुफा है वहाँ पर जाना है हमको, और उधर भी काफ़ी पीछे घूमने को है जगह का, बहुत कुछ है। अरे कन्फ्यूजन हो गया, हम लोगों ने जो लड्डू लिए थे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वाले, उसमें लिखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मत्स्य के लिए, मतलब मछली के लिए है, वही हमें कंफर्म करना है वरना हम उससे ना खा लें मछली का दाना। तो जाके काउंटर पे पूछते हमने यहाँ से लड्डू लिया था कि मछली के लिए है, इंसानों के लिए है वो। तो यहाँ पर जो भी हुई थी गलत फहमी हो गई थी, वो मछली का लड्डू नहीं है, वो प्रसाद ही है। हमने जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू लिए थे बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। तो हम लोग चलते गुफा की तरफ। फाइनली हम लोग सब इस गुफा में जा रहे हैं, देखते क्या है अंदर। मैं तो वैसे बचपन में आया था, काफ़ी पहले, काफ़ी साल हो गए, तो चलो देखते हैं। हम लोग गुफा में हैं और बस यहाँ पे अंदर मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर गुफा के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे शंकर जी हैं और पार्वती माता हैं। पर भी है देवी देवता। और हम लोगों देखो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यहाँ से गया और ऐसे घूम घूम के यहाँ से ऐसे वापस आ गया। कैसी थी गुफा? बहुत प्यारी। बाकी का जो ब्लॉग है मेरा वन प्लस के फोन से करूंगा क्योंकि आईफोन की बैटरी पूरी लो हो चुकी है। तो अब हमें लोग यहाँ से निकल रहे हैं वैष्णो देवी मार्ग, यहाँ पे पीछे और भी मंदिर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है। आगे अब अंशु को हमने भेज दिया आगे, अकेला फंस गया है। जय माता दी। यहाँ पर एक जो मंदिर था वो बमलेश्वरी मंदिर है और हम लोग यहाँ से निकल रहे वैष्णो देवी मंदिर की तरफ। तो चलो अभी भी वैष्णो देवी मंदिर आया नहीं है, आगे है, हमें आगे और जाना पड़ेगा। यहाँ पे फोटो शूट वगैरह चल रहा है हमारी चीज़ों का पीछे। इसके बाद मतलब हम लोग जो वैष्णो देवी मंदिर में आए थे उसी के पीछे से एक रास्ता था, मतलब वहीं से रास्ता था अंदर से मंदिर के अंदर से पीछे निकलता है जो कि भैरवनाथ जी के मंदिर पे हम वहाँ पर जाता है। तो हम लोग वहाँ पे भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए निकल रहे हैं और पूरा जंगल जैसा है पूरा, पर था वैष्णो देवी धाम। फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि मैं बचपन में आया था तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा वो था, मतलब मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं कि कैसा कैसा था, काफ़ी कुछ था वहाँ पर यूनिक। ऊपर एक जो थी ना गुफा भी थी ऊपर साइड में शायद तक, तो अभी फिलहाल यहाँ पर प्रवेश निषेध, आप लोग देख सकते हो जो हमें देखना चाह रहे थे पर अभी देखने को नहीं मिल रहा कुछ भी। अभी उसी के सामने खड़ा हूँ वैष्णो देवी धाम के, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे साइड में तुलसीदास जी की क्या भी है, मतलब मंदिर सा यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है।
भैया यहाँ पे बता रहे कि अंदर एक गुफा सी है वहाँ पे, मतलब अंदर जाके अगर कोई भी चाह रहा है कि हाँ अपने जो पाप वगैरह जो किए हैं तो वहाँ पे माफ़ी वाफ़ी मांगना है, तो वहाँ पे मैं छिपकली का जा, मतलब वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है छिपकली की, उसको टच करके अपनी जितनी भी मतलब माफ़ी वगैरह मांगना है वहाँ पे मांग सकते हैं, जितने भी अपने को कहना है अपने मन की बात कि हाँ मैंने कुछ बुरा किया है, जो भी बुरे काम किए हैं तो उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। पर उसकी एक ख़ास बात है, उसकी भी एंट्री फीस थी 5 रुपये। यहाँ पे आगे भी मतलब रामायण के जो थे ना, मतलब जो गरुड़ जी मिलते हैं राम भगवान और शंकर जी से, उसका भी मतलब अच्छी सी बनाई गई है, मतलब मूर्ति बनाई गई है और काफ़ी अच्छा है यार, मतलब सब कुछ रामायण के जो पात्र वगैरह सारे जो भी थे सब कुछ यहाँ पर अच्छे से बनाया गया है, बहुत अच्छा है। और आगे भी है यहाँ पर शबरी आश्रम है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके एंट्री फीस हमें देना, हम लोग जा रहे हैं सारे, गौरव अंशु मैं और घर वाले भी। लोग अंदर से आ गए हैं, वहाँ पे शंकर जी के जितने भी रूप थे, उनके जितने भी मतलब अवतार थे, उनकी वहाँ पे शिवलिंग के साथ उनकी एक मतलब प्रतिमा थी। पर एक प्यारा सा व्यू है, मतलब यहाँ पे नंदी जी है और मेरे बैनर्स वगैरह यहाँ पे, दीदी वगैरह सब कुछ फोटोज ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, देखो अंकल जी इतने बड़े, तो कितनी बड़ी शिवलिंग है। बहुत गौरव ऊपर जा चुका है और स्लाइड करने वाला है, आराम से करना पैंट ना फट जाए। कैसा लगा मंदिर? बहुत प्यारा। दूसरी बार आया, मैं भी दूसरी बार आया हूँ, मम्मी भी पहली बार आई है, दूसरी बार मम्मी पहली बार आई है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर झूला झूलने आए थे लेकिन सारे बड़े झूले भी यहाँ पर बंद है। तो गाइस यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पे पुराना सा क्रैश हुआ होता होगा शायद ये, या पता नहीं जो भी था, यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेन है, आपको पीछे दिखाता मैं अच्छे से बैठूंगा। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं छिंदवाड़ा में, रेस्टोरेंट में हम लोग हैं जयवज्रम, और यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। सबको अपना अपना ऑर्डर दे चुके हैं, तो ऑर्डर आ रहा है अभी, तो हमारी ट्रिप काफी शानदार रही, बहुत मजा आया। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे के ब्लॉग्स के लिए।